का दोपहर के 1 बजने वाले हैं आप सबके साथ। मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है। देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। ट्रक और बस चालक लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में ट्रकों का संचालन बंद कर दिया गया है। प्रदेश में निजी बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। विरोध की वजह से जनता को भी भारी परेशानी हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रकों का संचालन बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ कई निजी बसों का संचालन भी रोक दिया गया है। लगातार हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। कई जगह से देश भर के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले अलवर से भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर उग्र प्रदर्शन किया गया और आगजनी भी की गई। और प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है, साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, इसमें संशोधन नहीं करती है, तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो देश भर में हिट एंड रन कानून का विरोध चल रहा है। राजस्थान में भी विरोध का असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ट्रकों और बसों का संचालन रुका हुआ है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों और प्राइवेट गाड़ियों के संचालन बंद होने की वजह से यात्रियों को सफर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। झुंझुनू से तस्वीर जहां पर इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। दूधू से भी तस्वीरें है, अजमेर से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जालौर और करौली से भी तस्वीरें हैं। और सहयोगी अशोक भाटी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अपडेट लेकर। अशोक, प्रदर्शन जारी है, क्या हालात इस वक्त? जी बिल्कुल, प्रदर्शन लगातार सभी जगह जारी है। अजमेर के पटेल स्टेडियम टैक्सी यूनियन के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर अभी कुछ देर पहले तमाम जो लोग हैं वो ज्ञापन देकर आए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो कानून है उसको वापस लिया जाए। तमाम जो लोग हैं अब आगे की जो रणनीति है उसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अलग अलग यूनियन के अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की उनकी मांग है और कल जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें कौन कौन शामिल होने वाला है। संरक्षक साहब, आप बताएं किस तरह से जो हालात कल होने वाले हैं उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कल शहर के हालात ये है कि कोई भी परिवहन वाहन रोडों पे नहीं चलेंगे, जिसमें हमारे टेम्पो, सिटी बस, ऑटो, टैक्सी गाड़ियां, जहां तक एम्बुलेंस भी उसमें शामिल है। एम्बुलेंस वालों ने समर्थन दिया है कि हम स्वेच्छा से एम्बुलेंस भी हम नहीं चलाएंगे। तो कल जो प्रतिक्रिया होगी वो ये होगी, शहर में कोई भी वाहन संचालित नहीं होगा। तो क्या अब इसका जो विरोध है वो अब लोगों तक पहुंच रहा है, उसका खामियाजा जनता को भुगतेगी? हाँ, जनता को तो तकलीफ होगी साहब, क्यों नहीं होगी। जब संसाधन नहीं चलेंगे देश में तो दिक्कत तो आनी है और ये तो परेशानी का ही काम है। सरकार इसके विषय में सोचना ही पड़ेगा, सरकार को। हमारी परेशानी सब एक की परेशानी, सबकी परेशानी, सबकी परेशानी है। आप बताएं किस तरह से लेते हैं इस कानून को, अब क्या बदलाव चाह रहे हैं? ये कानून तो सरासर जाती है साहब, सरासर जाती है। अब किसी ड्राइवर के पास इतने पैसे होते तो टैक्सी क्यों चलाता? वो अपना कोई धंधा, छोटा मोटा धंधा कर सकता था। कोई भी जानबूझ करके किसी को नहीं मारता है कभी भी। कोई भी कोई मतलब गोबर भी अगर रोड पे पड़ा तो उसको भी बचा के निकलते हैं, तो उसमें कोई जानबूझ के क्यों मारेगा? और इतना सख्त कानून बनाना, 10 साल की सजा, पूरी उम्र ही निकल जाएगी उसकी बेचारे की, उसका परिवार का क्या होगा? और मान लीजिए एक्सीडेंट होता भी है और वो बचाने के लिए उसको रुक भी जाता है तो पब्लिक उसको नहीं मारेगी, इसके बाद की क्या गारंटी है उसकी, किस बात का संरक्षण है? तो अब ये बड़ी खबर, जैसा कि जो प्रदर्शनकारी है वो बता रहे हैं कि अब ना सिर्फ ट्रक, निजी बस, बल्कि एम्बुलेंस कर्मी भी हड़ताल करेंगे, जो एम्बुलेंस चालक है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। तो विरोध जारी है, समस्या भारी है और जो परेशान करने वाली बात है वो अब ये सामने आ रही है कि जो एम्बुलेंस चालक हैं वो भी अब हड़ताल पर उतरेंगे, यानी कि अब ना सिर्फ यात्रियों को बल्कि मरीजों और तीमारदारों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 5 अलग अलग प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें, हिट एंड रन मामले को लेकर लगातार चालकों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है।
और करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। करौली से बड़ी खबर है, निजी बस चालकों की ओर से भी हड़ताल किया जा रहा है। निजी बस संचालक दूसरे दिन भी बंद पर हैं। रोडवेज बसों का संचालन आज शुरू कर दिया गया है, हालांकि जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कल रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा था, रोडवेज स्टैंड पर भी प्रदर्शन किया गया। तो हिट एंड रन मामले में संशोधन मामले में दूसरे दिन भी विरोध जारी है। दुदू के मोखमपुरा और गिदानी में हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर वाहन चालकों ने जाम लगाकर नए कानून का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष भी जाहिर किया। ड्राइवर्स ने काला कानून वापस लेने की मांग की है। ड्राइवर्स ने जाम लगा दिया जिसके कारण वाहन जाम में फंसे रहे। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पर ट्रक ड्राइवर की ओर से जाम लगा दिया गया है। अपने वाहनों का उन्होंने सड़क पर ही हाईवे पर ही लगाकर छोड़ दिया है, जिसके चलते अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। तो वहीं खेतड़ी के गोठड़ा में वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून में संशोधन का विरोध किया, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते जयपुर दिल्ली की लोक परिवहन बसों का संचालन नहीं किया गया। बसों का संचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर्स ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में बदलाव किया गया है। नए बदलाव के तहत अब 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। ड्राइवर्स ने चेताया कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो ड्राइवर संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। तो सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है, ये ड्राइवरों पे एक अत्याचारी कानून है। हम लोगों ने आज ये सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, सारा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। 10 साल की सजा और जो 7 लाख रुपए का जुर्माना है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये ड्राइवर जो है, ये वैसे ही बहुत परेशान है। इनके ऊपर सरकार ने एक ऐसा बोझ डाल दिया, कभी ये सहन नहीं कर सकते। 10 साल की जेल कर दी, 7 लाख रुपए जुर्माना कहां से लाएंगे? इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, कहां से लाएंगे पैसे? सरकार का पूरा ये कानून वापस होना चाहिए। ड्राइवर बहुत परेशान है, इनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, सारा ट्रांसपोर्ट जाम हो जाएगा, देश की व्यवस्था खराब हो जाएगी। इस कानून को वापस लिया जाए और सबकी हितों को देखते हुए ये फैसला वापस लिया जाए। खबर अजमेर से है, जहां हिट एंड रन कानून में संशोधन करने के विरोध में देश भर में चक्का जाम और हड़ताल की जा रही है। इसके तहत अजमेर में भी टैक्सी यूनियन, प्राइवेट बस यूनियन और टेम्पो यूनियन की ओर से विरोध मार्च निकालते हुए बस स्टैंड अम्बेडकर सर्किल पर अलग अलग टेम्पो चालक